एबीपी ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। खबर मुंबई की आर्टिस्ट हैं हेमा। हेमा की हत्या के केस में एक नया खुलासा हुआ है। हत्या के आरोप में गिरफ्तार विद्याधर राजभर ने यह बताया कि उसने हेमा की हत्या इसलिए की क्योंकि हेमा ने उसे थप्पड़ मार दिया था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरोपी राजभर का यह कहना है क्योंकि हेमा ने उसे थप्पड़ मार दिया था इसलिए उसने हेमा की हत्या कर दी। गणेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गणेश, कल तो कहा जा रहा था मूर्ति को लेकर जो पैसे का लेन देन था वो नहीं हो पा रहा था, इस वजह से हत्या कर दी गई। आज ये नई थ्योरी सामने आ गई है क्या? जी बिल्कुल, और ये खुद थ्योरी या ये जानकारी जो है विद्याधर ने अपने पड़ोसी को दी है। आपको बता दें कि विद्याधर के पड़ोसी ने 13 तारीख को विद्याधर को फोन किया था और 13 तारीख को विद्याधर ने फोन लेकर ये बात उसके सामने कबूल की थी कि उसी ने हत्या की। और हत्या की वजह यह है कि हेमा उसके पैसे वापस नहीं कर रही थी। जब उस रात उसे गोडाउन में बुलाया गया और पैसे मांगे गए तो उस दौरान हेमा और उसके बीच में बहस हुई। हेमा ने बहस के दौरान उसको चाटा जड़ दिया। इसके बाद गुस्से में आकर उसने उसकी हत्या कर दी। और एडवोकेट हरीश बम्बानी जो वहां मौजूद, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसने इन तीनों के साथ मिलकर या जो दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर हरीश की भी हत्या कर दी और बाद में इनके शव को ठिकाने लगाया। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश ठाकुर इस तमाम जानकारी के लिए। तो हेमा हत्याकांड में ये नया खुलासा, आरोपी राजभर का ये कहना है क्योंकि हेमा ने उसे थप्पड़ मारा था इसलिए गुस्से में आकर उसने हेमा और उस वक्त बीच बचाव के लिए आए हेमा के वकील दोनों की हत्या कर दी।